रजनीकांत की वापसी के बाद बॉक्स ऑफिस हिल गया है। उनकी लेटेस्ट रिलीज जेलर ने सिर्फ 10 ही दिन में कलेक्शन का पहाड़ खड़ा कर दिया। फिल्म का कलेक्शन 500 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। तमिल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है जेलर। गदर 2 से भी बहुत आगे है। क्या चल गया रजनीकांत का जादू या फिर कोई है मैजिक ट्रिक, देखते हैं यह खास रिपोर्ट में। इंडियन सिनेमा का मेगा स्टार कहे जाने वाले रजनीकांत ने एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया है। रजनीकांत की लेटेस्ट फिल्म जेलर 10 अगस्त को थिएटर में रिलीज हुई थी, गदर 2 से एक दिन पहले। फिल्म ने पहले दिन ही धुआंधार शुरुआत की और पहले दिन इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 90 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा था। जेलर ने अपने 10 दिनों के बॉक्स ऑफिस रन में ही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर डाला है। ये 500 करोड़ तक पहुंचने वाली दूसरी सबसे तेज फिल्म भी बन गई है। तमिल इंडस्ट्री के लिए सबसे तेज 500 करोड़ कलेक्शन करने का रिकॉर्ड भी रजनीकांत के ही नाम है। उनकी फिल्म 2.0 ने 8 दिन में ये कमाल किया था। इस साल इंडियन फिल्मों के वर्ल्ड वाइड कनेक्शन की बात करें तो शाहरुख खान की पठान सबसे ऊपर है, जिसने 1050 करोड़ रुपए से ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन जुटाया। इसके बाद दूसरे नंबर पर अब रजनीकांत की जल है, जिसकी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का आंकड़ा 510 करोड़ है। इस बार जेलर से फैंस को बड़ी उम्मीदें थी और ट्रेलर से ही साफ हो गया था कि ये बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट।